नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज फिर एक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट पूरे इंडिया की 24% सीमेंट में 24% सीमेंट सेक्टर में जो मार्केट शेयर है वो इस कंपनी का है, और ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की सीमेंट क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कि एक चौथाई मार्केट शेयर इनके पास है, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वाइट सीमेंट के, ग्रे सीमेंट के और आरएमसी के। तो ये कंपनी जो है एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वाइट सीमेंट, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर वाइट सीमेंट, आरएमसी और ग्रे सीमेंट। वाइट सीमेंट की इनके कैपेसिटी है 0.56 मेट्रिक टन पर एनम, और एक प्लांट है। आरएमसी की इनकी कैपेसिटी है, आरएमसी के इनके पास मोर देन 100 प्लांट्स हैं, 100 से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं। इनकी वॉल केयर पुट्टी की कैपेसिटी है, वॉल केयर पुट्टी की कैपेसिटी है 0.8 मेट्रिक टन पर एनम। और टोटल जो ग्रे सीमेंट की कैपेसिटी है, ग्रे सीमेंट की कैपेसिटी है इनकी 117.35 मेट्रिक टन पर एनम, और ये कैपेसिटी आफ्टर कंसोलिडेशन है। रिसेंटली अल्ट्राटेक ने एसेट्स एक्वायर करे थे सेंचुरी टेक्सटाइल के, यानी कि सेंचुरी टेक्सटाइल का जो सीमेंट बिजनेस था वो इन्होंने एक्वायर करा था। और उसमें जो स्वैप रेशियो रखा गया था कि हर 8 शेयर के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल के एक अल्ट्राटेक का शेयर धारकों को दिया गया था। तो इसके जो इन्होंने एसेट एक्वायर करे हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आगे ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सेंचुरी टेक्सटाइल के जो भी एसेट्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, और उनके यूटिलाइजेशन लेवल्स बहुत कम है। और कंपनी इनको टर्न अराउंड करने में लगी हुई है, क्योंकि जब इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। और कंपनी के पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसा कि आपने देखा है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वाइट सीमेंट, आरएमसी, वॉल केयर पुट्टी। 117 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है वाइट सीमेंट की, 0.56 टन, वॉल केयर पुट्टी की 0.8 मेट्रिक टन। 23 इनके पास प्लांट्स हैं, इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं, एक क्लिंकर कैपेसिटी है, 25 ग्राइंडिंग यूनिट है, 7 बल्क टर्म है। तो इनके पास बहुत ही बड़ा केपेक्स है। तो इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं 23, एक इनके पास क्लिंकर है, 25 ग्राइंडिंग यूनिट है और 7 बल्क टर्मिनल हैं, और 100 से ज़्यादा ये आरएमसी वाले प्लांट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे इनके पास प्लांट्स हैं। एक वाइट सीमेंट का प्लांट है, 2 वॉल केयर पुट्टी के प्लांट्स हैं, और जो इन्होंने सेंचुरी टेक्सटाइल के प्लांट्स भी अभी एक्वायर करे हैं उनको ये टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, साथ ही साथ कंपनी डेट कम करने पे फोकस कर रही है और कैश फ्लोज बढ़ाएगी। फ्यूचर में कंपनीज के फ्री कैश फ्लो बढ़ेंगे क्योंकि डेट कम होगा, और कंपनी जो भी इसके आइडियल एसेट्स हैं, खराब जो खाली पड़े एसेट्स हैं उनको बेच रही है, और जितने भी नॉन कोर इन्वेस्टमेंट थे इनके इंडिया, इंडिया से बाहर मिडिल ईस्ट में, उनको ये बेच के पैसे करके और ये अपना डेट कम कर रहे हैं। अभी इनका डेट इक्विटी रेशियो है 0.65, जो अगले 2 से 3 सालों में ये 0.2 तक ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेट कितना कम हो जाएगा, और जबकि कंपनी इतनी हैवी केपेक्स इंडस्ट्री में है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में केपेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है होता है, लेकिन तब भी कंपनी अपनी डेट इक्विटी को मैनेज कर पाएगी। साथ ही साथ इसके जो रियलाइजेशन है, यानी कि सीमेंट के जो भाव हैं उस पर ये डिपेंड करते हैं, और हमने देखा है रिसेंटली सीमेंट के जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से इनकी एबिटडा और मार्जिन्स बढ़ेंगे। और ये एक रफ एस्टिमेट है कि इनके किस तरह से फाइनेंशियल्स रहेंगे। अगर हम बात करते हैं FY19 में, FY19 में इनके रेवेन्यूज 22% बढ़े थे, लेकिन तब भी इनका एबिटडा केवल 10% बढ़ा था और 11% इनका पैट बढ़ा था।
लेकिन आगे जाके हमें उल्टी उम्मीद है, जहाँ पे भले ही रेवेन्यूज इनके 13% की कैगर से बढ़ेंगे, लेकिन जो इनका एबिटडा होगा वो 19% की कैगर से बढ़ेगा अगले 3 साल, और जो इनकी पैट मार्जिन होंगी वो 31% से बढ़ेंगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि इनके पास जो एक तो सेंचुरी टेक्सटाइल के एसेट्स आ रहे हैं, इनके डेट लेवल्स कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो सीमेंट के भाव हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इनके रेवेन्यूज़ देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये 37,000 करोड़ थे, फिर 43,000 करोड़ की उम्मीद है, और अगले साल 50,000 करोड़, और उससे अगले साल 54,000 करोड़, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,800 करोड़ से बढ़ के 9,400, 11,000 और 11,500 करोड़ तक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 18% थे वो 21% की रेंज में आ जाएंगे। पैट जो 2,400 करोड़ का था वो 3,600, 4,700 और 5,400, 5,500 करोड़ हो जाएगा। तो जो इनका प्रॉफिट अभी हम 2,400 करोड़ देख रहे हैं वो 5,500 करोड़ देखेंगे। हालांकि वैल्यूएशन वाइज ये शेयर अभी भी सस्ता नहीं है, और ईपीएस अगर इसकी 190 है तो इसका पीई 21 है, और ये अपने FY22 के एबिटडा पे भी 12.5 है। लेकिन कंसिडरिंग कि ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये अपने साइज का एक प्रीमियम हमेशा कमांड करेगी, और ये शेयर कभी भी आपको बहुत सस्ते दामों में नहीं मिलेगा, और ये एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, और हो सकता है कि ये जो पी हमें 12.5 दिख रहा है वो उस समय भी ईवी टू एबिटडा इसका 20 रहे, तो ये यहाँ से भी 40 से 50% अगले 2 से 3 साल में बढ़ सकता है, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज़ का मानना है, और ये 15 से 20% की कैगर अगले 3 सालों तक आपको दे सकता है, और एक ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है। अगर हम भाव की बात करते हैं कहाँ लेना चाहिए, तो जो रेंज बताई गई है वो 3,540 रुपये से 4,300 रुपये। हालांकि ये शेयर अभी जो काम कर रहा है वो करीब 4,400 रुपये की रेंज में काम कर रहा है, तो अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा और देखना होगा ये शेयर गिरे। अगर हम इसके चार्ट्स पे देखते हैं तो हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स हमारे लिए अच्छे होंगे जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो इसका चार्ट खोल लेते हैं हम लोग। इसका चार्ट ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी 4,416 के लेवल पे यहाँ पे बंद हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। जो इसका एक नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट आ रहा है वो करीब 4,000 रुपये के पास, और उसके नेक्स्ट जो आ रहा है 3,800। तो अगर क्योंकि मार्केट में मंदी थी लास्ट फ्राइडे बजट की वजह से, तो हमें लगता है कि ये अभी और थोड़ा नीचे आ सकता है, और जो इसका एक्युमुलेशन जोन हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा वो 4,000 के पास रहेगा, और वो ये जोन रहेगा जो कि 3,800 से 4,000 का जोन होगा। इस जोन में हम इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और हम इसमें 50 से 60% जैसा एप्रिसिएशन इसमें मान सकते हैं कि हमें अगले 3 सालों में मिल सकता है। तो ये बात थी अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह काम करेगा अगले 3 से 4 सालों की तरह। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करें, आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।